हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर चूरूपीडिया हिंदी पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस जगह की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे फेमस शहर है। एक ऐसा शहर जहां साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, इसे लव सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, सब कुछ परफेक्ट है। और तो और, यहाँ की लड़कियों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ की भाषा आपको समझ में आ सकती है या नहीं, लेकिन लोगों की दिल की बात आप यकीनन समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको एफिल टावर वाले शहर यानी कि पेरिस की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ की बारिश और बारिश में होता रोमांस, यकीन मानिए इससे खूबसूरत जगह ही नहीं हो सकती। तो फिर देर किस बात की, बस अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पेरिस के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड फेमस सिटी फ्रांस देश की राजधानी शाही है, जहां की कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 22 लाख के आसपास। ये शहर सिर्फ 105 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर 20,300 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। पेरिस शहर सीन नदी में एक मोड़ के साथ बनाया गया है और ये नदी 1991 से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। नदी के दक्षिणी और उत्तरी किनारों को शहर के 37 पुल जोड़ते हैं। टूरिज्म की बात करें तो पेरिस दुनिया की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। पतझड़ पेरिस की यात्रा करने का सबसे अच्छा सीजन माना जाता है, क्योंकि इस समय शहर अधिक शांत और सुंदर होता है। यहाँ की मशहूर जगहों में एफिल टावर, नोटर डेम, डिज्नीलैंड जैसी जगह है। अगर आप चलकर पेरिस के उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं तो आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। इस शहर में आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। पेरिस के लोगों के बीच में अपने कल्चर को बढ़ावा देने का अलग ही जुनून है और यही वजह है कि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज होने के बाद भी पेरिस में शायद ही आप कोई इंग्लिश बोलता हुआ नजर आए। ऐसे शहर के लोगों को इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो सभी अपने लैंग्वेज फ्रेंच में ही बात करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट टूरिस्ट के साथ भी ये सभी फ्रेंच भाषा में ही बात करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश में जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे किस नजर से देखा जाता है। वेल दोस्तों, पेरिस सबसे पहले एक रोमन शहर हुआ करता था जिसका नाम था लुटेटिया। इस शहर का इतिहास भी बहुत पुराना है और यहाँ पर आपको हर धर्म के लोग, हर देश के लोग दिख जाएंगे। दोस्तों, पेरिस शहर की पहचान बनाने वाला एफिल टावर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसी टावर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। तब इस टावर को यहाँ पर सिर्फ 20 सालों के लिए लगाया गया था। तब यही प्लानिंग थी कि मात्र 20 सालों के लिए यहाँ पर टावर लगेगा और उसके बाद इसे यहाँ से हटा लिया जाएगा। लेकिन देखिए, आज ये वर्ल्ड फेमस टावर है और आज अगर फ्रांस में दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उसके पीछे एफिल टावर का सबसे बड़ा हाथ है। पेरिस शहर को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको चारों तरफ चकाचौंध नजर आएगी। हर जगह कलरफुल लाइट्स दिखाई देंगी। पार्क से लेकर रोड तक सब कुछ आपको चमकता हुआ दिखता है इस शहर में। पेरिस के लोगों के बीच में कुत्ते को पालने का इतना शौक है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 6 लाख से ज्यादा पालतू कुत्ते दिख जाएंगे। ये एक ऐसा शहर है जिसमें बच्चों की संख्या से ज्यादा कुत्तों की संख्या है, क्योंकि पेरिस के निवासी कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, पेरिस के किसी भी रेस्टोरेंट में इन्हें अपने केयर टेकर के साथ जाने की खुली छूट है। दोस्तों, किसी फिल्म का सबसे पहला पब्लिक स्क्रीनिंग पेरिस में हुआ था साल 1895 में। इस शहर के लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं और साथ ही यहाँ के लोगों को शॉर्ट मूवीज बनाने का बहुत शौक होता है। जब बात हो ही रही है फिल्मों की, तो आपको ये भी बता दूं कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग पेरिस में ही होती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पर कमाल का व्यू मिलता है और इसी वजह से बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग की जाती है इस शहर में। दोस्तों, पेरिस की लड़कियों को देखने के बाद कोई भी अपना दिल हार जाए, क्योंकि ये हद से ज्यादा खूबसूरत होती है और ओपन माइंडेड भी। यहाँ पर किसी से भी आप दोस्ती कर सकते हो। आपको जब भी पेरिस जाने का मौका मिले, आप यहाँ का क्रोइसेंट ब्रीड जरूर ट्राई करना, यकीन मानिए आपका मूड बन जाएगा। ये पेरिस ही क्या, पूरे फ्रांस का सबसे फेमस ब्रेड है। इसे आप एक या दो नहीं बल्कि 3-4 भी खा सकते हैं, क्योंकि ये होता ही इतना स्वादिष्ट है। वैसे यहाँ का ये पारंपरिक नाश्ता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला फोटो जिस इंसान का लिया गया वो पेरिस की स्ट्रीट पर घूम रहा था। साथ ही आपको बता दूं कि पेरिस से ही दुनिया के लिए एक स्टाइल स्टेटमेंट
ट्रेंड सेट होता है। पेरिस की सड़कों पर जिस तरह का कपड़ा यहाँ के लोग पहनते हैं, जनरली पूरी दुनिया में वही स्टाइल बन जाता है। यहाँ का फैशन वीक के बारे में तो आपको पता ही होगा, सबसे पॉपुलर इवेंट होता है। दोस्तों, पेरिस में 200 से ज्यादा संग्रहालय हैं। 1793 में खुला लौवर म्यूजियम दुनिया के कुछ सबसे खास संग्रहालयों में से एक है। यहाँ कला के 35,000 से ज्यादा नमूने रखे गए हैं। यहीं पर लियोनार्डो दा विंची की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा भी मौजूद है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला संग्रहालय है, जिसे हर साल लगभग 1 करोड़ लोग देखने आते हैं। क्या आपको पता है कि पेरिस में एक ऐसी दीवार है जिसे दी वॉल ऑफ लव यानी कि प्रेम की दीवार कहा जाता है। 40 वर्ग मीटर की इस दीवार पर कलाकारों ने 612 टाइल्स पर 300 भाषाओं में आई लव यू लिखा है। तभी तो इस शहर को दुनिया का सबसे रोमांटिक सिटी भी कहा जाता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए जो आते हैं। वेल फ्रेंड्स, फ्रांस निवासी खान पान के बेहद शौकीन है। फ्रांसीसी खाने का मजा लेना है तो पेरिस को नहीं भूला जा सकता। छोटे बड़े सभी तरह के रेस्टोरेंट्स मेहमानों का खूब ख्याल रखते हैं और इज्जत से भर देते हैं। यहाँ बने ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और बार खुले में बने हैं और इनकी संख्या करीब 9,057 है। पेरिस में 181 जगहों पर आप फ्रांस में मशहूर ब्लैक कॉफी का लुत्फ उठा सकते हैं। हर साल बेस्ट बेकर चुनने के लिए यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और जो प्रतियोगिता जीत जाता है उसे राष्ट्रपति के लिए खाना बनाने का मौका मिलता है। एक और बात जो पेरिस को किसी और शहर से अलग बनाती है वो है यहाँ का प्रदूषण। यहाँ पर दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इस सिटी ने प्रदूषण को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। वाकई में ये यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट्स के लिए अच्छी बात है। ये सिटी आपके लिए ड्रीम लैंड हो सकती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में फ्रांस की वाइन बड़ी पॉपुलर है, लेकिन फ्रांस में बनने वाली सबसे ज्यादा वाइन की बात करें तो ये पेरिस में ही बनती है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है वाइन का। हजारों लोग यहाँ पर वाइन की कंपनी में काम करते हैं और अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। ये बात तो आप जानते ही है कि फ्रांस की फुटबॉल टीम कितने स्ट्रांग है, लेकिन इसका क्रेडिट भी पेरिस को ही दिया जाता है। रीजन साफ है कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब में से एक PSG। इस क्लब से दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। यहाँ पर जब भी कोई मुकाबला होता है तो माहौल ही अलग लेवल का होता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं पेरिस में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। एफिल टावर। वेल फ्रेंड्स, पेरिस शहर को ही लोग एफिल टावर की वजह से जानते हैं। आईफिल टावर या एफिल टावर, आप इसे जो भी कहना पसंद करते हैं, ये इस शहर और यूरोपीय मुल्क की पहचान है। इसके बिना तो पेरिस की कल्पना करना ही लगभग असंभव है। इस ऐतिहासिक टावर को फ्रेंच क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी में मनाए जाने वाले जश्न के लिए बनाया गया था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इसको दुनिया इतना ज्यादा पसंद करेगी, लेकिन आज देखिए, इस स्मारक को हर साल 7 मिलियन से ज्यादा लोग देखने आते हैं। पेरिस के कैंप दी मार्स इलाके में स्थित ये टावर पेटवा लोहे से बना हुआ है। 7300 टन लोहे से बने एफिल टावर को निर्माण के 20 साल बाद ही गिराने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये इतना पसंद किया गया कि आखिर में इसे पेरिस के स्थायी इमारत का दर्जा मिल गया। दोस्तों, ये पेरिस की सबसे हॉट लोकेशन है और यहाँ पर आए बिना पेरिस का मजा लेना पूरी तरह से अधूरा है। नेक्स्ट इज डिज्नीलैंड पेरिस। वेल फ्रेंड्स, अगर आपके साथ पेरिस की यात्रा पर बच्चे भी गए हैं तो ये जगह है उनके लिए जन्नत। मींस आपको अपने बच्चे को इस जगह पर ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि डिज्नीलैंड पेरिस के बारे में। ये आपके बच्चों का ही क्यों, आपके अंदर के बच्चे को भी जगह देगा। 4800 एकड़ में फैले हुए इस पार्क को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 1992 में शुरू किया था। पहले ये स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन सैलानियों की बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया। ढेर सारे अलग अलग तरीके के झूले, राइड्स, लेजर शो और कार्टून कैरेक्टर्स की परेड आपके बच्चों के लिए एक नया अनुभव होगा। साथ ही आपको यहाँ पर डिज्नी के कई पॉपुलर कैरेक्टर्स के भी दीदार होंगे। इस जगह पर जाना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट इज लेस इनवैलिड्स। वेल फ्रेंड्स, अपने अजीब नाम के साथ ये टूरिस्ट प्लेस बहुत अजीब, बेहतरीन, अजूबे अपने अंदर समेटे हुए है। जिन लोगों को सेना और युद्ध में रुचि है उन्हें एक बार जरूर इस जगह आना चाहिए। इमारतों का ये समूह अपने अंदर फ्रांस के सैनिक इतिहास को समेटे हुए है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये फ्रांस का युद्ध संग्रहालय है। 17वीं सदी में बनी इस इमारत का निर्माण लुई 14 ने एक अस्पताल और आश्रय स्थल के तौर पर करवाया, जहां घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था और मृत सैनिकों के परिवारों को आश्रय मिलता था। यहां कई फौजियों के कब्र को भी देखा जा सकता है। यहां आप जब भी आएंगे आपको हजारों की संख्या में टूरिस्ट दिख जाएंगे। नेक्स्ट इज द फ्रेंच रिवेरा।
वेल फ्रेंड्स, ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। समंदर के किनारे बसा हुआ ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। समंदर किनारे का परफेक्ट नजारा यहाँ आपको दिख जाएगा। ब्लू वाटर के साथ साथ यहाँ की कलरफुल प्लांट्स और एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर इसे इतना सुंदर लोकेशन बनाते हैं कि यहाँ आए बगैर आपका फ्रेंच ट्रिप पूरा नहीं होगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर कपल ही देखने को मिलते हैं, लोग यहाँ पर रोमांस करने के लिए आते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस शहर में घूमने के लिए जाना है तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इंडिया से पेरिस जाने का और वहाँ घूमने का खर्चा सिंगल इंसान को 1 से 1.5 लाख तक का पड़ सकता है, वो भी 7 दिनों की ट्रिप में। पेरिस घूमने के लिए आपको फ्रांस वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए सबसे पहले आप साइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और फिर आपको नियरेस्ट वीजा सेंटर पर वीजा के लिए जाना है। तो दोस्तों, ये था पेरिस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।